खेसारी लाल यादव और सना यानी कि हमारी शहनाज गिल के बीच हमेशा नोकझोंक तो होती ही रहती है। अब ये नोकझोंक किचन एरिया से जाते जाते गार्डन एरिया तक पहुंच गई है। आइए हम आपको बताते हैं क्या हुआ इन दोनों के बीच। वैसे सना ने जैसे सभी को कहा कि ये लोग मुझे इरिटेट करते हैं, डिप्रेशन में ला देंगे, तभी खेसारी लाल यादव आए और बोले कौन तुम्हें डिप्रेशन कर सकता है, कौन तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है, तुम तो खुद ही इतनी क्यूट हो, प्यारी हो। तो इस पर सना ने पलट कर खेसारी लाल यादव को कहा कि इतना बड़ा मजाक अगर मैं तुम्हारे साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो फिर खेसारी लाल यादव वहाँ से हंसते हुए निकल जाते हैं। फिर सना और असीम में काफ़ी देर तक बहस होती है काम को लेकर। उसके बाद ये तीनों गार्डन एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पर खेसारी लाल यादव कहते हैं, पता नहीं जिस सना से मैं मिला था वो सना कहाँ चली गई है, कहाँ है सना, सना सना कहकर वो चिल्लाते हैं गार्डन एरिया में। और फिर खेसारी लाल यादव कहते हैं, सना डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, आई लव यू बाबू। यानी कि अब खेसारी लाल यादव और सना एक दूसरे को भले ही पसंद ना करें लेकिन इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी अच्छी भी लग रही है और सना ही ऐसी कंटेस्टेंट थी पहले जो कि खेसारी लाल यादव के पास आकर उनसे बात किया करती थी। और सना ही एक घर में ऐसी है जो खेसारी लाल यादव को मोटिवेट कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि वो किस तरह से गेम खेल सकते हैं आगे। वैसे आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आज वीकेंड के वार में खेसारी लाल यादव घर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उनके फैंस ने उन्हें जमकर वोट किया है और इसी वोटिंग की बदौलत आज वो बिग बॉस के रेटिंग पर यानी कि वोट रेटिंग पर पांचवें पायदान पे है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।